Hello students welcome to BLS.in today is your mathematics second lecture in second lecture we will start integration formulas first see here formulas are written here <coughs> integration have formulas also because without, without formula you will not be really understand how to do the question ok so before starting the substitution integration we will start seeing these formulas note down on in your copies see here. इन लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू एट फार्मूले ओके नॉट फ्रॉम टूडे वी विल स्टार्ट फ्राम नाइन्थ नाइन्थ है ना ओके कम ईयर नाइन्थ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी देखिए आप लोग को क्या करना है यहाँ पर एक चीज़ ध्यान समझिएगा जब भी आपको कोई चीज़ फॉर्मूले दिया हो जैसे आपने पिछली बार सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला देखा होगा क्स स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला था सेक एक्स डी जो जो एट फॉर्मूला लास्ट क्लास में था वो यहीं पे देखिए माइनस जैसे पे आ गया पर था ठीक है एक बार ध्यान दीजिए देखिएगा जाके वापस ठीक है अब यहाँ टेंस टेन एक्स इजल टू सेक्स प्लस सी जब भी आपके पास सेकेक्स टेन एक्स देखिए फार्मूले आपको पूरे रटने नहीं होते हैं फॉर्मूले कुछ ही समझने होते हैं कुछ फार्मूले आप समझिए और कुछ आप कैसे ड्राइव कहाँ से हो रहे हैं जैसे कि ये फार्मूला है आपको ये दोनों नहीं याद करने की ज़रूरत है क्योंकि आपने जैसे एक फार्मूला ये पढ़ लिया sec सेकेक्स टेन एक्स का है दूसरा देखिए कॉसेक एक्स और cot कॉटेक्स का है तो यहाँ पर अगर सेकेक्स आ रहा है तो इससे आपको रटना नहीं है समझना है कि माइनस कॉशेक्स ही होगा ठीक है लॉजिक लगाना है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ठीक बाकी यहाँ पे देखिए कॉट एक्स इज्क्ल टू लॉग साइन एक्स कई लोगों ने याद भी कर लिया होगा क्योंकि इंटरमीडिएट सेक्शन में कई लोगों को याद कराया जाता है फॉर्मूले ठीक है तो ये फॉर्मूलेज जो है लॉग वाले ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कैसे फार्मूलेस ड्राइव होंगे ठीक अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फॉर्मुले नंबर सिक्सटीन वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजक्ल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए अब एक बात समझिए आपने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था ऐसा क्या था कि यहाँ पर ये जो साइन इन्वर्स है हम लोग साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आता है जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है आपको ठीक है तो वही चीज़ है यहाँ पर बस क्या किया गया है ए से डिवाइड किया है तो यहाँ भी ए अंदर आ चुका है मीन्स आया वहीं से है ये ठीक है ना सेम वे में यहां भी वैसे फॉर्मूले लगा है सेम में यहाँ भी लगा है तो आप लोग ये फॉर्मूलेज नोट करिए ये फॉर्मूले याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक बिना फॉर्मूले के एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ खास करके टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे अब मैं ये फॉर्मूले रफ कर दे रहा हूं और आपको सब्सिट्यूशन शुरू करूँगा इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन कैसे होगा जिन्होंने पढ़ लिया है इंटरमीडिएट में समझे हैं वो देख सकते हैं इसको या रिवाइज कर सकते हैं और जिन्होंने नहीं समझा है वो समझेंगे यहां पर ठीक तो है तो ध्यान से समझिए सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिएगा इंटीग्रेशन बाय सब्स ठीक इंटीग्रेशन बाय सब्सटी की बात करते हैं चलिए नंबर वन अगर हम देखिए इसको मैं कोई भी ऐसा कोई यहाँ पे मैं थ्योरी लॉजिक ये सब बताने वाला नहीं हूँ मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्वेश्चन करना है क्योंकि थ्योरीज आजकल रिक्वायरमेंट नहीं है आजकल आपको प्रैक्टिकल कैसे क्वेश्चन करने ये रिक्वायरमेंट है आइए पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन कैसे होगा अगर हमारे पास कहीं दे रखा है साइन एम एक्स डी एक्स ऐसा क्वेश्चन है हमने साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है बट अगर एंगल के साथ कांस्टेंट लगा है जैसे एक्स के साथ कांस्टेंट लगा है ऐसा कुछ तो आपने नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक क्या है समझिएगा सब्सिट्यूशन हम लोग कहाँ से उठाते हैं सब्सिट्यूशन हम लोग जो उठाते हैं वो उठाते हैं डिफ्रेंशिएशन से ही ठीक है हमारे पास देखिए यहाँ पे ये यह है एम एक्स डी एक्स तो हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट एम एक्स इज इक्वल टू टी कोई एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट मान लेंगे टी अब हम इस एम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशियटिंग बोथ साइड्स अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा डिफरेंशियटिंग बोथ साइड्स बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा आपका एम डी एक्स इजक्ल टू डी टी यानी अब देखिए आपको यहां पे डी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है डी एक्स इजक्ल टू डी टी वाई एम ठीक अब हमको एक बात बताइए एमएक्स को हमने क्या लेट किया था टी अब यहां वापस क्वेश्चन में आइए ठीक इंटीग्रेशन का साइन ऐसे बनाइए साइन एम को आपने क्या लिया था क्या लिया था एम को टी तो यहाँ पे आप लिखेंगे एम को टी ठीक है कितना ईजी है कुछ नहीं है इसमें आपने डी की वैल्यू क्या यहाँ पर आई है डी की वैल्यू आई है डी टी बाई एम क्या आई है डी टी बाई एम और हमने आपको हमेशा बताया है कि आप जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे जो यहाँ पर वेरिएबल है वही वेरिएबल से ये डिफ्रेंशिएशन का सिंबल होना चाहिए आइए यहाँ पर इक्वल टू वन अपॉन एम कॉमन हो जाए क्योंकि एम क्या है कांस्टेंट है अब अंदर क्या बचा साइन टी डी बचा है इक्वल टू अब देखिए साइन टी का तो फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने क्या है साइन टी का फॉर्मूला माइनस कॉस यानी वन अपॉन एम माइनस कॉस प्लस सी ये चीज आपने पढ़ी है? अच्छा टी की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्यों टी ऊपर था ना देखिए क्या हो गया यहाँ वन कॉस एम एक्स प्लस सी तो ये आपका हो गया है आंसर माइनस बाद में आप यहाँ से हटा देंगे और यहाँ आगे लगा देंगे तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर इस तरह ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सबसिचुएशन का बहुत इजी समझाया बहुत इजीली मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है इसी तरह आप लोग एक क्वेश्चन इसी में होमवर्क ले लीजिए मैं वो आपको होमवर्क दे रहा हूँ देखिएगा कॉस एम एक्स का ये आप अपने आप करेंगे कॉस एम एक्स का ठीक है मैंने साइन का कराया है आप कॉस का करेंगे कुछ नहीं करना है सिंपली इसका भी सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे और अब मैं थर्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूं टू क्वेश्चन हो चुके हैं थर्ड में थर्ड क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्या है अगर आपके पास कभी कोई पॉलिनोमियल आ जाए कि पॉलिनोम क्या है तो हमारे पास जैसे पॉलिनोम है 2x एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटीग्रेट करने को आ गया अब क्या करेंगे ठीक है तो कुछ इसमें अलग ट्रिक लगाना पड़ेगा हमको पहली बात तो कोशिश ये करनी होती है कि हम dx को कौन सा ऐसा कांस्टेंट इसमें से लें इसमें से लें कि dx हट जाए ना हमेशा यही ढूंढना है आपको कि कौन सा ऐसा कांस्टेंट लें कौन सा ऐसा वेरिएबल उठाएं कि जिससे हमारा dx जाए ठीक है और एक सिंगल वैल्यू बने तो अब मैं आपको बताता हूं इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप ये नहीं कर पाएंगे ठीक तो है तो प्रैक्टिस करते रहिए देखिए हम यहाँ पर लेट करेंगे क्वेश्चन यही शुरू कर रहा हूँ लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इजल टू टी कर लेंगे कर लिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इजल टू टी आप देखिए इसको अगर हम डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइज मीन्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये क्या है डी टी यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा टू एक्स ये जीरो हो जाएगा ना डिफ्रेंशिएट करने पर टू एक्स डी एक्स इजक्ल टू डी टी हो जाएगा ठीक टू एक्स डी एक्स इजक्ल टू डी टी आ गया है अब देखिए यहाँ पर आपको टू एक्स डी एक्स कहाँ पर कहीं कुछ दिख रहा है ऐसा और ऐसा ये सब मल्टीप्लाई में ही है ठीक है यहीं से हम लोग उठाएंगे क्वेश्चन और बहुत ईजी तरीके से करेंगे देखिएगा ये लिया हमने यहाँ पर टू एक्स और डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई में तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं मीन्स ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अब आप आइए यहाँ पर और क्या लिखेंगे इंटीग्रेट लिखे तो किया साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या लिट किया था टी तो इसको टी ही लिखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या एट किया है टी तो यहाँ टी लिखिए और टू एक्स डी एक्स को क्या लिट किया है डी टी हो गया है यहाँ पर तो अब देखिए फिर से वापस यहाँ पर साइन टी आया मीन्स कॉस टी प्लस सी यानी आंसर क्या आएगा टी की जगह आप वैल्यू लिखिए क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस वन देखिए यहाँ पे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी कोई दिक्कत ये दो क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं अब इसी में से मैं तीसरा क्वेश्चन आपको फिर होमवर्क दूंगा तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा जो होगा चौथा क्वेश्चन वो होगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन टी का तो मैंने साइन कराया है दोनों में और आपको कॉस दिया है अब आप एक बात बताइए अगर आपके पास थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करें अगर क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे खैर कई लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा है तो उनको इन कॉम्प्लिकेशन से प्रॉब्लम नहीं होगी बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो समझते रहेंगे इतना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा टिक्नोमेट्रिक फंक्शन पे ही सारे फॉर्म क्वेश्चन हैं जैसे टेन की पावर फोर रूट एक्स क्या बनाया टेन की पावर फोर रूट एक्स सेक अब जैसे इसमें कोई फॉर्मूला अगर आपको कोई जैसे फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो आप उसको अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स ये क्वेश्चन आपको है ये क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का ही है कोई अलग से बाहर से नहीं आया ऐसा लग रहा होगा कि टफ है लेकिन सबसे क्यों दो बार इंटीग्रेशन हुआ है ना पहला हम लोग हैं वो है रूट एक्स को सब्सिट्यूट करेंगे तो आप रूट एक्स को जब सब्सिट्यूट करेंगे तो रूट एक्स की जगह आप लिखेंगे सिंपली रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा टी क्या होगा रूट एक्स इजल टू टी अब हम क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी डी एक्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी और ये हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स डी एक्स इजल टू डी टी देखिए कैसे चेंज हो रहा है फॉर्मूला कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसमें वन बाई टू है ना ऊपर देखिए भाई ये वाला डिफ्रेंशिएशन तो सबको आता होगा इसमें क्या करना है भाई एक्स की पावर वन बाई टू डी डी एक्स अगर कर रहे होंगे तो ये सामने आएगा ठीक ये सामने आएगा और इसके बाद अगर हम लोग तो इसे माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा ये नीचे चला जाएगा रूट एक्स माइनस हाफ़ अगर किसी पावर माइनस हाफ़ दोगे तो क्या होगा नीचे ही तो होगा डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है अब आइए यहाँ पर हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन का साइन लगाए टेन की पावर फोर जैसे लिखी थी वैसे लिख देंगे टेन की पावर फोर रूट एक्स के लिए बस टी लिख देंगे इंटू सेक स्क्वायर टी और रूट एक्स अब देखिए एक चीज़ ध्यान दिएगा हमने यहाँ पे चेंज क्या किया है ये देखिए आपको ये यहाँ रहा है ये, ये चीज़ यहाँ से मिल रही है तो हम लोग इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे कहाँ वहाँ पर तो हम इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे यानी टू वहाँ चला जाएगा डी के साथ और यहाँ क्या बचेगा डी -ती. अब इसके नीचे कुछ नहीं बचा है नीचे कुछ नहीं बचा है। अब आपके पास सब कुछ यहाँ पे सिर्फ ऊपर का सलूशन बचा है अब मैं यहाँ पे इसका थोड़ा सा सलूशन और बताऊँगा देखिए क्या है सलूशन अगर मैं यहाँ से लेट करूँ क्या लेट करूँ अगर मैं आपसे यहाँ से लेट करके देखाऊँ लेट सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू यू अगर मैं ये लेट करूं, ठीक है आप इसको भी लेट कर सकते हैं दूसरा अगर आप चाहें तो और इजी कर सकते हैं इसको टेन की पावर फोर टी इज इक्वल टू यू ये अगर लेट कर लें ठीक है अगर आप इसको लेट करते हैं तो देखिए कितना इजी है हमने इसको लेट किया टेन की पावर फोर यू की पावर फोर कर लें अब देखिए जब यहाँ पे टेन की पावर फोर मत लिखिए टेन डी इजक्वल टू यू लिख देंगे अब इसमें कुछ नहीं करना है अब आप इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे डी डी बाई टी करेंगे तो ये डी यू होगा यहाँ पर ठीक है क्या होगा डी यू होगा अब देखिए यहाँ से हमारे पास टू इन टू इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है सेक्स स्क्वायर डी टी आता है हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अगर तो यह क्या आएगा सेक स्क्वायर डी टी सेक् स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू डी यू ठीक यही आएगा हम तो यही करने वाले हैं यहाँ से इसको बदलेंगे यहाँ पे क्या चेंज करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे u की पावर फोर u की पावर फोर और ये क्या हो गया डी यू क्या हो गया डी यू अब आप इसको यहीं से आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे क्या लगाएंगे x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे x की पावर n का फार्मूला लगाने के बाद ये आपका बचेगा टू यू की पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस सी कुछ ऐसा आएगा ठीक है ऊपर हम थोड़ा सा रब कर दें या किनारे इधर लिखे दे रहे ध्यान से देखिएगा जब ये यह यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही थी तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या दे रखी है बताइए जरा टू यू की वैल्यू क्या है टेन की पावर अब हो जाएगा ये फाइव टी प्लस सी अब टी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे टी हमने क्या लेट किया था रूट एक्स अब यहाँ पे चेंज कर दिए टू टेन की पावर ये फाइव नीचे साथ में चल रहा है टेन की पावर रूट ये आ गया एक्स प्लस सी ये आपका आंसर ऐसे आ गया किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ भी सकते हैं ये कोई सोल्यूशन ऐसे होगा ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ सिक्स क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा बहुत टफ नहीं है वो मैं एक इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ और वो इजी क्वेश्चन सब लोग कर पाएंगे क्योंकि उसमें कुछ मैथड नहीं लगाना है बस उसमें सिर्फ आपको सोल्यूशन आना है जैसे वन अपॉन ऐसा लिखा होगा एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स ऐसा सोल्यूशन होगा डी एक्स ऐसा क्वेश्चन ना एक है हम क्या करेंगे सब पह, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान देना है कि हमको क्या ऐसा करेंगे सोल्यूशन और ईजी हो जाए तो और ईजी करने का मन है बहुत मन है कि हम इसको ईजी कर लें तो कर लीजिए इसको ईजी कैसे करेंगे हम लोग इसमें से लेट करेंगे वन अपॉन एक्स कॉमन अंदर बचेगा वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स ठीक ये बचेगा तो अब ये बताइए आप इसमें कैसे दिमाग लगाएंगे कि हमारे पास कांस्टेंट कौन सा ले देखिए वन अपॉन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है लॉग का ठीक तो आइए हम लोग क्या करेंगे वन प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी लेट करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स डिफरेंशिएट किया तो क्या आया वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी यही आया है तो देखिए ये हमारे पास है कि नहीं ऐसा कुछ तो हम इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं यानी अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वन अपॉन लॉग एक्स को क्या लेट किया है टी यानी वन अपॉन टी क्या हो गया है डी टी और हमको वन अपॉन टी यानी वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था लॉग एक्स यानी क्या हो गया लॉग टी क्या हो गया लॉग टी प्लस सी अब लॉग टी टी की वैल्यू क्या लेट किया था ये यानी इसका आंसर क्या आएगा लॉग वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी देखिए जिनको नहीं समझ में आया है वो एक चीज दोबारा से समझेंगे यहाँ पे हमने सबसे पहले देखिए सबसे पहले ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा आपने क्या किया है एक्स को हमने कॉमन लिया हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कॉमन लेने की कोशिश करेंगे अगर कॉमन आप लोग ले लेंगे तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा कॉमन क्या है जैसे वन प्लस एकस, ये ब्रैकेट किया डी हमारे पास ये और ये जो है ना यहां से देखते हैं कि यहां से कैसा कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं बस ये शर्त रहती है कि जो डी वाला फॉर्म उसके साथ एक्स ना है नहीं तो आपका एक्स सेलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और कोई क्वेरीज होंगी तो आप लोग हमसे पूछेंगे ओके स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने दिया है एक्स प्लस वन ब्रैकेट क्लोज और एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स अब इसमें आपको ये बताना है कि हम क्या ऐसा रखेंगे जिससे सब्सटीट्यूट हो जाए एक्स तो देखिएगा ध्यान ये दीजिएगा कि ये एक्स डी एक्स बाई एक्स आ जाए तो ये बहुत ईजिली आ जाएगा क्योंकि इसमें टफ नहीं है अगर आप इसको लेट करेंगे एक्स प्लस लॉग एक्स को लेट करेंगे टी तो शायद ये आंसर आ भी सकता है ठीक है क्योंकि आपको ही अपने आप बताना है कैसे आ रहा है और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स भेज भी सकते हैं डी अगर एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो डी एक्स अपोज साइन स्क्वायॉर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अब इसमें क्या है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनको याद होंगे वो कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला मर्ज करके या अलग अलग दो डिफरेंट फार्मूलेज हैं दो डिफरेंट फॉर्मूलेज से होगा इसमें आप चाहे इसको सब्स्टिट्यूट करें या उसको सब्सिट्यूट करें दोनों को आपको उसी तरह ये करना पड़ेगा बात करें अगर क्वेश्चन नंबर नाइन की तो जैसे यहाँ पर रूट टेन एक्स है तो आप इसको ही अगर लेट कर लेंगे तब भी आप इसका आंसर इजीली निकाल पाएंगे बट आप लोग एक चीज याद रखिएगा अगर आपने टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से कंप्रोमाइज किया है आपने टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं याद किए हैं तो आप लोगों को एक भी बार ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिल पाया क्योंकि इसमें टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मस्ट रिक्वायरमेंट है ठीक है ना तो ये वाले क्वेश्चन आप थ्री क्वेश्चन करेंगे से अगर नहीं आएगा तो आप लोग क्वेरीज भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में हम आपकी क्वेरीज क्लियर करेंगे अब देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास को मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग ऑफ फार्मूलेज बताऊंगा कि कैसे इसका फार्मूला लगेगा तो समझिए कि वो इंटीग्रेशन के फार्मूलेस क्या होंगे जो हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लिखिए इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले मैं आज आपको नॉन रिपीटेड फॉर्मूला बताऊंगा नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन नॉन रिपीटेड नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन कैसा समझिएगा जैसे अगर आपके पास कहीं दे रखा है कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी यानी आपके पास दो बार एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप लोग क्या करेंगे सिंपली इसमें क्या होता है हम लोग ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी करते हैं इस तरह ये वाला क्वेश्चन किया जाता है कैपिटल ए और कैपिटल बी लेते हैं एक बात याद रखिएगा ये वाला जो मैं सोल्यूशन बताऊंगा इनके क्वेश्चन बताऊंगा तो आप लोगों को इसके दूसरा जो भाई इनके दूसरे भाई भी हैं वो है रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन वो कौन से है रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन मींस यहां पे स्क्वायर लग जाएगा जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका कैसे कंपैरिजन होता है कैसे इसके सॉल्यूशंस होंगे इन सब की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे ठीक है इसके भी रिलेटेड हम लोग कई सारे क्वेश्चंस करेंगे हमारे पास इसके कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं तो आप लोग प्रिपरेशन उस हिसाब से करिए कि टिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब तो पीछे वाली चीज़ें भी याद रखनी है अगर आप पीछे वाली चीज़ें नहीं याद रखते हैं तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा नुकसान में आएंगे प्रैक्टिस आप रोज करिए और इसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जिनको नहीं याद होते हैं वो जो भी क्वेश्चन करेंगे और जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया तो आप उसका फॉर्मूला कौन सा लगा रहे देख के पीछे से मत लगाइए आप क्या करिए उसको तुरंत चेक करिए कि आप वहाँ पे वापस लिखिए कि हाँ ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा है तो आपको याद हो जाएगा ठीक है तो आप लोग इस पार्शियल फ्रैक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिएगा आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन पूरा एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पर ठीक थैंक यू